नवरात्र आने वाला है, नवरात्र में कलश स्थापन होने वाला है। तो कलश स्थापन से पहले घर से किन चीजों को निकाल देना चाहिए ताकि माता दुर्गा प्रसन्न हो और नाराजगी की स्थिति ना हो। जय बाबा विद्यनाथ, हर हर महादेव। अब 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा और 3 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रि का कलश स्थापन हो जाएगा। तो कलश स्थापन से पहले आप अपने घर को सही ढंग से साफ सुथरा करें। जिस जगह पूजा होगी उसको बढ़िया से धो लें, गंगा जल छिड़क दें। और ध्यान रहे, पूजा के पहले आपके घर में यदि बंद पड़ा घड़ी हो तो उसको चालू करें, यदि मूर्ति टूट गया हो तो मूर्ति को बदल दें, और यदि झाड़ू टूटा हो तो पूजा के पहले आप झाड़ू ले आएं। अपने जो पूजा पर रहेंगे या नवरात्रा के दरमियान में बाल दाढ़ी न बनवाएं, उसके पहले बनवा लें। और वस्त्र जो हैं वह नवरात्रा के समय धुले हुए होने चाहिए, नवरात्रा के बीच में वस्त्र नहीं धोएं। इसलिए नवरात्रा प्रारंभ होने के पहले ही अपने पहनने वाले वस्त्र को अच्छा से धो धा करके घर में रखें। यानी यह नवरात्रा का जो त्यौहार है, माँ शक्ति की जो आराधना होगी, प्रकृति की जो पूजा होगी, इसमें आपको स्वच्छ साफ सुथरा नियम से रहना अति आवश्यक है। यदि ऐसा अनियम आप कर देते हैं तो इस पर माता रानी प्रसन्न न होकर के रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए घर को साफ सुथरा, फटे चिटे कपड़े को बाहर करें, टूटे झाड़ू को बाहर करें, टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी है उसको भी बाहर करें, और बंद पड़े घड़ी को तो निश्चित घर से आप निकाल दें।